नमस्ते, आप सबको देखे बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड आई एम श्योर आपने मेरे वाराणसी के ब्लॉग्स देखे होंगे। दैट ट्रिप वाज सो आई ओपनिंग एंड चेंजिंग फॉर मी एंड मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट हैपेंड वाज विद फैशन। एक बहुत ही री इंट्रोडक्शन हो गया विद फैशन थ्रू अ भारतीय एस्पेक्ट एंड आई जस्ट फेल इन लव। मुझे इतना ज्यादा फैसिनेशन हो गया एंड आई एम श्योर आपने देखा होगा आई बीन ट्राइंग मोर इंडियन एस्थेटिक्स इन माई फैशन एंड आई जस्ट रियलाइज कि मेरे वार्डरोब में इतना कुछ देसी एलिमेंट्स ही नहीं एंड हेंस ये हॉल नाव। ये सारी चीजें मैंने अमेजोन से ली है एंड वाई इज इट गुड फॉर यू इज बिकॉज उनका मेगा फैशन डे सेल आने वाला है एंड यू कैन डेफिनेटली गेट बिकॉज ये सारे पीसेस इतने अच्छे हैं। लाइक आई जस्ट आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू ऑल द आउटफिट्स। ऑनेस्टली इंडियन एस्थेटिक्स आर सो मच ऑफ माई थिंग। लेट जस्ट स्टार्ट। मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव द देसी थिंग गोइंग ऑन। मैंने दो चीजें की है फॉर दिस हॉल। एक तो येस आई गॉट ऑल ड्रेसेस बट आई वॉन्टेड टू हैव द देसी एलिमेंट। तो सारे प्रिंट्स मैंने एकदम ऐसे इंडियन एस्थेटिक्स के ही ली है बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रिंट। आई फील फैब्रिक भी एक बहुत इसेंशियल पार्ट होता है फैशन का एंड भारत इज नोन फॉर कॉटन फॉर श्योर। हमने बहुत ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट किया है तो ये सारी चीजें कॉटन में बिकॉज समर आ रहा है एंड मुंबई समर इज आई वॉन्ट लुक क्यूट आई वॉन्ट टू लुक प्रिटी आई वॉन्ट टू लुक देसी बट आई वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल। तो ये सारी चीजें उसी हिसाब से है। या नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एक्साइटेड। फर्स्ट अप है ये ड्रेस जो मैं डाल के बैठ गई हूँ। आई जस्ट लव द सिलोवेट। प्रॉपर मुझे ऐसे एकदम समरी वाइब दे रहा है। इतना मुझे इसका कलर भी इतना प्यारा लगा था। प्रिंट इज ऑल्सो सो नाइस। लव द पार्ट की चेस्ट पे एक अलग प्रिंट चालू है एंड यहाँ पे अलग है तो वो जो डिसओरिएंटेशन है बीच में वेस्ट का वो बहुत ज्यादा डिफाइन है। ऑफकोर्स ये बेल्ट मैंने ऐड किया तो वो और ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आई जस्ट लव इट। यू कैन सी इट जस्ट लुक सो 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 लवली अगेन। बहुत कंफर्टेबल है। इट जस्ट ब्यूटिफुल। नेक्स्ट अप मैंने लिया है बहुत ही प्यारा रोमांटिक मैक्सी ड्रेस। फर्स्टली आई लव द प्रिंट। बहुत ही ज्यादा प्यारी है बट द वे इट फिट्स मी इज जस्ट सो नाइस। मतलब मेरे बॉडी टाइप को बहुत ही प्यारा सिल्वर दे रहा है। एक तो इट मेक्स मी लुक टॉल विच इज जस्ट सो 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 नाइस एंड द बेस्ट पार्ट ना इसके वेस्ट पे प्रॉपर दोनों साइड से थ्रेड दिया गया है सो आई कैन एक्चुअली स्नैच माई वेस्ट एंड ये इसके वजह से इतना प्यारा डेफिनेशन आ रहा है। आई जस्ट लव इट। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि इसके जो स्लीव्स है वो एडजस्टेबल है तो इट जस्ट हेल्पिंग मी। बहुत ही अच्छा अकोमोडेटिव ड्रेस है मेरे बॉडी के हिसाब से आराम से बैठ रहा है एंड इट जस्ट लुक सो 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 प्रिटी। आई जस्ट फील इफ यू हैव अ वैलेंटाइन दिस कुड बी अ परफेक्ट वैलेंटाइन आउटफिट। इट जस्ट स्क्रीमिंग रोमांस। नेक्स्ट अप मैंने लिया है बहुत ही प्यारी ग्रीन कलर की मीडी ड्रेस एंड ये भी ऑफकोर्स कॉटन की है। लुक एट द प्रिंट। आई थिंक आई एम जस्ट इन लव विथ दिस प्रिंट। इसे जयपुरी प्रिंट कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई लव लव इट। अगेन इस पे भी ना सेम है कि उन्होंने लाइक इसके ऊपर वेस्ट पे ऐसे आप वो थ्रेड दिया है सो यू कैन एडजस्ट इट अराउंड योर वेस्ट आपके हिसाब से सो यू डोंट हैव टू रन टू द अल्टरेशन विच आई थिंक इज परफेक्ट फॉर दिस। आई लव इट। इसका बहुत ही ज्यादा घेर दिया है ऐसे तीन पल्लू। आई लव द प्रिंट। इट जस्ट सो प्रिटी। यू कैन सी ऑलरेडी आई लव इट। नेक्स्ट अब मैंने लिया है ये मिनी ड्रेस। नाउ आई फील मिनी ड्रेस इज सो मच ऑफ माई वाइब। मैंने ऐसे छोटी सी एस्थेटिकल एकदम टाइनी टाइप टिंकल बेल टाइप मैं दिखती हूँ जब मैं ऐसे मिनी ड्रेस पहनती हूँ। एकदम छोटी बच्ची लगती हूँ। आई जेन्युइनली लाइक इट। सो मिनी ड्रेस इज सो सो माई वाइब। तो मैंने ये वाला लिया था। फैब्रिक ऑफ दिस इज ओ माई यू गर्ल्स। ये बहुत ही ज्यादा प्यारा फैब्रिक है। द कलर इज ऑल्सो सो नाइस। आई थिंक बहुत सारे इंडियन फिल्म पे बहुत प्यारा लगा। इट जस्ट लुक सुपर सुपर नाइस। आई लव हाउ इट फिट्स मी। मुझे इसकी फ्रिल की डिटेलिंग इतनी अच्छी लगी। लाइक इट हैज सो मच ऑफ नाइस डिटेलिंग गोइंग ऑन कि इसको देख के इतना ज्यादा रिच लग रहा है। I can dress it up, I can dress it down. It just, I love this one. Next up, मैंने लिया है ये bright orange maxi dress. Again, summers में maxi dress is such a thing and इसकी fabric again cotton इतना soft है, इतना breezy है, इतना airy है. मैंने जानबूझ के एकदम ऐसे bright orange उठाया because I just feel for summer it just a very nice transition. Like you will go from a dull grey, dim palette to a orange palette. So I just thought कि ये समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा होगा। I love it, fits me. इसके ऊपर एक
वेस्ट पे बेल्ट दिया गया है, सो आई कैन जस्ट स्टाइल बैक एंड आई डोंट हैव टू केयर फॉर द अल्टरेशन और एनीथिंग. बहुत ही सिंपल है, आई हैव स्टाइल्ड इन अ वे कि वो कंफर्टेबल भी लगे. लाइक आई जस्ट फील आई एम गोइंग, आई एम जस्ट रेडी टू गो फॉर अ बीच वेयरिंग माई देसी एस्थेटिक्स. आई लव इट. लास्टली मैंने लिया है ये लॉन्ग मैक्सी ड्रेस. आई जस्ट फील ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है एंड आई जस्ट लव द वाइब दैट इट गोज. आई थिंक मैंने सारी चीज़ों पर बोला है दैट ये बहुत प्यारी है, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जेन्युइनली फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है दैट आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग इन फैशन एंड सारी चीज़ें जैसे मैंने दिमाग में विजुअलाइज किए वैसे ही मेरे पे दिखी. आई एम जस्ट सो हैप्पी विद एवरीथिंग दैट आई हैव एडेड इन माई वार्डरोब. सेम लाइक दिस, मुझे इसकी प्रिंट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी. ऑन द डेज वेन यू नो यू जस्ट वॉन्ट टू पुट वन थिंग एंड स्टिल वॉन्ट टू लुक गुड, ये प्रॉपर वो है मेरे लिए. आई जस्ट लव इट. मैंने इसके ऊपर वेस्ट पे एक बेल्ट लगाया है एंड इट जस्ट सो सॉफ्ट, सो नाइस. इसके ऊपर जो चेस्ट पे भी डिटेल दी है दैट इज जस्ट सो नाइस. इसका घेरा भी इतना बड़ा, इट्स सो एरी. आई genuinely लव इट सो मच. मैंने तो सारी चीज़ों पे बोल दिया ये अच्छे है वो अच्छे है, बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि वॉट डिड यू थिंक. मुझे कॉमेंट्स में बताओ दैट आपको सबसे आई वॉन्ट टू नो योर टॉप थ्री नंबर वाइज. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 में आपके टॉप थ्री मुझे बता देना कमेंट में. एंड दैट इज इट, हम आगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो का शाउट आउट जाता है टू किरण चौधरी. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया एंड इस चैनल को इतना सपोर्ट किया. अगर आपको नेक्स्ट शाउट आउट का पार्ट बनना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नीचे कॉमेंट करना है. जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें मैंने अमेजोन से ली है, तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. एंड दैट इज इट. आई लव यू.